नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से आ रही बहुत बड़ी खबर, आईटीआई रिजल्ट, आईटीआई एग्जाम और ग्रीवांसेस और मार्कशीट को लेकर के। तो सबसे पहले मैं एक डीजीटी का मैसेज दिखाता हूं कि देखिए, जो मैं अपने शो में दिखाया था, जो खुलासा किया था, उसके लिए डीजीटी के विजिलेंस विभाग से मेरे को मैसेज आया है और मेरे को सबूत मांगा गया है। मेरे को दिल्ली जाकर के सबूत देना पड़ेगा या विजिलेंस की टीम आकर के मेरे से लेगी। तो मैं ये चीज़ जो आईटीआई वाले हैं, प्राइवेट आईटीआई वाले हैं और जो नोडल हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि ये देख लीजिए, और आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो मैं शो में दिखाया हुआ हूँ। तो आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो कितना कमा लोगे, जो गवर्नमेंट आईटीआई वाले हो, नोडल वाले भी हो, जो पैसा 4,000 से 10,000 रुपए मांग रहे हो, तो क्या करोगे आप लोग? 1,00,000 रुपए इकट्ठा कर लोगे और 1,00,00,000 रुपए का अपना नुकसान करोगे, जेल में जाओगे अलग से। और मैं बता दूं कि ये इसका भर नहीं लगेगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का कोर्स केस लगेगा जिसमें ईडी करेगी जांच। तो आप लोग किसी काम में नहीं बचोगे, और इसमें आप लोग फंसा रहे हो लड़कों को। क्या हो रहा है कि अब आप जान रहे हो कि चैनल का शो चल रहा है, आप लोगों ने देख लिए हैं जितने भर माफिया दलाल हैं, तो वो क्या करने लगे हैं कि डायरेक्ट पैसा लेने के बजाय वो लड़कों को लगा दिए हैं, कुछ जगह पे लड़कियों को लगा दिए हैं। गवर्नमेंट आईटीआई की भी बात है मैं बता रहा हूं कि आप पैसा इकट्ठा करो तो आप उनको भी जेल में ले जा रहे हो। तो ऐसे जो लड़के लड़कियां हैं उनके खिलाफ मेरे पास पर्याप्त सबूत है, आपके साथी ने ही मेरे को दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस काम में मत लगो। आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, आपको कोई पास नहीं कर सकता है, आपको कोई मार्कशीट नहीं बना सकता है, इतना आप जान लीजिए। आप अगर पास हो तो कोई फेल नहीं कर सकता है, अगर आप फेल हो तो कोई पास नहीं कर सकता है। और अगर ऐसे दब के रहोगे, ऐसे करते रहोगे, आज आप बताइए लड़कों को क्या सिखा रहे हो। मैं तो गवर्नमेंट आईटीआई के नोडल के अधिकारी हैं, लड़कों से 4,000 रुपए माने उनसे मंगवा रहे हैं, आज आप 4,000 रुपए मंगवा रहे हो, लड़कों को सिखवा रहे हो कि भ्रष्टाचार करें, आप ये शिक्षा दे रहे हो। कल इनसे आप कत्ल करवाओगे, मर्डर करवाओगे, चोरी करवाओगे, क्या क्या चीजें करवाओगे। और ये आप मैसेज देख लिए कि विजिलेंस, बिल्कुल मैं अभी तक नाम नहीं दिखा रहा था आईटीआई का, बिल्कुल नाम दिखाऊंगा। और ऐसे लड़के भी जो शामिल हैं और ऐसे जो प्राइवेट आईटीआई वाले शामिल हैं, सबका नाम मैं उजागर कर दूंगा, ये विजिलेंस को मैं दे दूंगा, इतना बता दे रहा हूं। आईटीआई बंद होगी लेकिन आप ईडी में फंसोगे तो आप छूट नहीं पाओगे। जान रहे हो किस समय पर सीबीआई और ईडी क्या हालत कर रही है, तो सुधर जाओ मेरे भाई। बहुत दुखता है यार ये सब कुछ दिखाने में, आप लोगों को मजाक लगता है। मेरे को ये शो बनाने में ना, मैं रात रात भर सोता नहीं हूं कि अपने परिवार की मैं बुराई दिखा रहा हूं पूरे दुनिया को। कितने लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कह रहे यार इस शो के बारे में आप हमको दो, कितने न्यूज चैनल वाले मांगते, कितने समाचार वाले मांगते हैं कि यार इसको दो, छापेंगे पेपर में, छापेंगे ये है, तरह तरह के हमको दिया जाता है। सर ये वाली न्यूज दिखा दो, इतना पैसा ले लो, सर ये वाली न्यूज मत दिखाना, इतना पैसा ले लो, सर ये करवा दो। मैं तो नहीं बिका यार, दुखता है यार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई एग्जाम को लेकर के क्या आया है। कल का शो दिखाया था, आप लोग आधी चीजें मत देखा करो, ठीक है। जब मैं बता रहा हूं कि 25-30 मिनट अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। कल मैंने क्लियरली बोला था, मैंने क्या दिखाया था, पहले दिखाया था कि 14 से 17 तक के बच्चों का खुलासा किया था। इसके बाद मैं 17 से लेकर के 20 तक के लड़कों को बोला था, 14 से लेकर के 20 तक के लड़कों को बोला था, इवन जो सप्लीमेंट्री एग्जाम के तहत में आ रहे हैं वो सारे लड़कों का, ग्रीवांसेस वालों का भी और जिनका ईडी प्रैक्टिकल का है उनका भी, सबका एक एक करके विस्तार से बता रहा हूं। पहले सप्लीमेंट्री एग्जाम का, सप्लीमेंट्री एग्जाम में ध्यान से सुन लेना, 14 से जो अभी तक सप्लीमेंट्री एग्जाम है माने 19 तक के हैं, जो 19-20 का होगा, 19-20 का, 19-21 का होगा, 2 साल वाले जो लड़के फंसे हैं या 1 साल वाले लड़के जो फंसे हैं, उनको बोल रहा हूं कि जो एजेंसी है वो एजेंसी 8 या 9 तारीख तक में रिपोर्ट देगी, ठीक है, कि हम कितने फेस में करवाएंगे एग्जाम, क्या एक फेस में हो जाएगी इतने एग्जाम, या 2 फेस में होगी, या 3 में होगी, 4 में होगी, 5 में होगी, 6 में होगी, कितने फेस में होगी एग्जाम, उसमें कितने लोग जो है तो ईडी प्रैक्टिकल वाले हैं, कितने थ्योरी वाले हैं, कितने -1 वाले हैं, कितने
वैसे जो छूट गए हैं, बहुत सारे लड़कों का ईडी प्रैक्टिकल का हुआ है, सीबीटी का नहीं हुआ है, तो सबका अलग अलग किस समय पर करेंगे, किस डेट में करेंगे, वो सारी रिपोर्ट डीजीटी ने बोल दिया है। वो बहुत जल्दी से जल्दी रिपोर्ट अपना देंगे। 30 तारीख तक ये जो अभी मेन चल रहा है इसका जैसे खत्म हो जाएगा, इसके बाद 8-9 को दो पेपर है वो खत्म हो जाएगा, उसी बीच में अपना रिपोर्ट बीच में दे देंगे। हाँ, अगर अब बीच में पानी नहीं गिरा तो रिपोर्ट दे देंगे कि ये कब तक जाए, क्या ये अक्टूबर तक में ही चालू होगा, होगा अक्टूबर में, तो अक्टूबर चालू होगा तो क्या 30 अक्टूबर तक हो जाएगा, या हमको इसको 10 नवंबर तक भी ले जाना पड़ेगा। वो लड़कों के हिसाब से होगा कि कितने लड़के हैं, कहाँ हैं और किस हिसाब से जो है तो एग्जाम होगी। ये डीजीटी के हाथ में नहीं होता, ये स्टेट के हाथ में नहीं होता, ये नोडल के हाथ में नहीं होता। एग्जाम के लिए डेट तय करती है, लेकिन स्लॉटिंग कौन तय करता है, एग्जाम लेने वाली एजेंसी। एग्जाम लेने वाली एजेंसी जब बोलती है और एग्जाम लेने वाले जहां सेंटर होते हैं वहां पे स्लॉटिंग होती है, स्लॉटिंग जब बता दी जाएगी कि कितने एक ही फेस में हो जाए। आप जान रहे हो कि जनरली ये जो पिछला परीक्षा हुआ है 8 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे मान लो कि आपका भी एक महीना जाएगा, या और बीच में कुछ ऐसी चीजें आ गई तो हो सकता है कि और आगे चला जाए, 8 दिन 10 दिन और बढ़ सकता है, हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन में ही अब कोई एग्जाम नहीं है तो 15 दिन में ही निपटा लें। ये एजेंसी के ऊपर डेटा होता है, इसको कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, कोई खेल नहीं है, ठीक है ना। वो जब डेटा पूरा आएगा, और डेटा कब आएगा पूरा मैं आपको बता दूं, डेटा तब आएगा जब ये लेटर जाएगा और एग्जाम फीस जमा होगी। जैसे एग्जाम फीस जमा होगी तो एक्चुअल में डेटा तब निकलेगा। जो अभी लाखों में डेटा है वो फिर हजारों में हो जाता है। अब कहने के लिए तो बहुत सारे लड़के हैं, पर एग्जाम कितने लोग देंगे, कितने लोगों का वेरीफाई होगा, कौन है एलिजिबल कौन नहीं है, तो वो सब सारी चीजें जब एग्जाम फीस जमा हो जाएगी तब एक्चुअल में पूरा डेटा निकलता है। तो टाइम लगता है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 17 सितंबर के पहले पहले ये लेटर जारी हो जाएगा मैपिंग का और एग्जाम फीस जमा करने का और सेंट एपीआई डाटा लोड अपलोड करने का, सारी चीजें हो जाएंगी। डेट भी आ जाएगा कि किस तारीख से किस बीच में तक हम करेंगे। तब तक आप लोग सिर्फ इतना काम करिए, अपने आईटीआई के संपर्क में रहिए, उनको व्हाट्सएप नंबर अपना दीजिए, जो कहीं बाहर है उनको बुलाइए, ठीक है, अपनी सारी चीजें आप लोग देखते रहिए। दूसरा एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे, ये मैं एक बार फिर दिखा देता हूं, यहां पे नीचे स्क्रीन पे जो है तो अपडेट का न्यूज चलती रहती है, उसको देखा करो आप लोग, ठीक है। एक बार सुबह बना लो, जब मेरा शो देखो 9 बजे मैं जारी कर देता हूं तो 11 उसके पहले आप लोग जाग जाते हो, 5 बजे से फोन करना चालू कर देते हो, तो एक बार नोटिफिकेशन देख लिया करो, या रात में नोटिफिकेशन देख लिया करो कि क्या आया है कि नहीं आया है, ठीक है। ये हो गई सप्लीमेंट एग्जाम का। सप्लीमेंट एग्जाम में जो लड़के आ रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, जो 19 में एडमिशन लिए, जो 1 साल का है, जो 2 साल का कोर्स है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये क्लियर हो गया है आपका, अब इस पर कोई सप्लीमेंट्री की बात नहीं, अब आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। तैयारी में भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूबरों से पढ़े ना तो कुछ नहीं, भारत ऐप पे जाओ, निकालो और वो जा करके आईटीआई में पढ़ो, और अब आईटीआई वाले से 500-1000 रुपए दीजिए, वहाँ पे ट्यूशन पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा बताएगा, क्योंकि इस बार जो प्रैक्टिकल एग्जाम में हुआ है ना, वो अब इस बार नहीं होगा। या मान लेना कि प्रैक्टिकल में भी फेल हो गए, अगर आप तो बिल्कुल फेल हो जाओगे, अगर आप चीज़ों को नहीं पहचानोगे उस समय पर पूछेंगे तो। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और आपका 3-3 लोग वहां पे आ रहे हैं, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहना, मैं इतना बता दे रहा हूँ। अपने आईटीआई जाइए, वहां पढ़िए, तो ये सप्लीमेंट्री वालों के लिए हो गया, ठीक है। रिजल्ट के लेकर देखो, रिजल्ट में दो चीज़ें हैं, अभी जो 19-20 वाले हैं उनका, दूसरा ईडी प्रैक्टिकल का। तो जो अभी रिजल्ट फंसा हुआ है ना, एक फंसा हुआ है ग्रीवांसेस वाला, एक रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, किसी भी दिन आ जाएगा, वो 7 तारीख तक बोले, 7 तारीख के बाद देखिए, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी बीच में क्या क्या वो तैयारी कर देंगे, और 17 तारीख के बीच में ले आएंगे, वो उसके पहले ले आएंगे, दीक्षांत समारोह के पहले ले आएंगे कि कितना जल्दी ले आ सकते हैं रिजल्ट अपडेट करके। अब उसमें दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बता दूं कि जैसे 2 केस हुए हैं, बहुत बड़े 2 केस हुए हैं, ईडी प्रैक्टिकल का उन्होंने वो खोल दिया था, पोर्टल खोल दिया था, फिर पोर्टल लॉक कर दिए, 4-4, 7 बार पोर्टल खुला। अब यार हर बार पोर्टल नहीं खुलेगा, चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं,
अब वो पोर्टल नहीं खुलेगा, चूंकि पोर्टल खुलता है उसमें बहुत सारी चीजें गलत चीज डल जाती है। जैसे अभी बताए हम कि उगाही चल रही है 4,000 रुपए दो और पास हो जाओ, अगर जो 4,000 रुपए नहीं देगा वो फेल हो जाएगा, तो अब नहीं खुलने वाला है, ये आप लिख के ले लो। अब ग्रीवांसेस है, तो जो 30 जुलाई तक ग्रीवांसेस किए थे बहुत अच्छी है, अब ये हो जा रहा है दो जगह पे, खास तौर से बिहार और यूपी में। बिहार में गलत फहमी के चक्कर में हुआ और यूपी में भी हुआ कि एससीबीटी को लॉक कर दिए और एनसीबीटी में नहीं किए हैं, तो उनके लिए स्पेशल जो है तो एक बार ग्रीवांसेस खुलेगा, जल्दी ही खुलेगा, बहुत जल्दी खुलेगा। उस पर विचार हो रही है कि ग्रीवांसेस क्या इन्हीं के लिए खोला जाए या पूरे पेन इंडिया के लिए खोला जाए, तो जो समाचार आ रहा है बताने के लिए वो पेन इंडिया खोला जाएगा। तो जो भर दिए हो ठीक है, जो नहीं भरे हो तो ग्रीवांसेस आपको डालना पड़ेगा। जैसे ग्रीवांसेस आप करोगे तो आपके नोडल ITI वाले को लॉक करना पड़ेगा और फिर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने ग्रीवांसेस किया हुआ है तो आप अपने ITI वाले और नोडल के यहाँ चले जाओ और पता लगा लो कि क्या, देखो क्यों नहीं हुआ है कि ये अभी आपको मैंने खुलासा में दिखाया था कि लिस्ट नहीं पहुंची है, गायब कर दिए हैं, कई जगह अटेंडेंस नहीं पहुंची है, नंबर नहीं पहुंचा है, तो आपके ITI के पास में एक कॉपी रहती है, वो नोडल के पास जाओ, जमा कर दो और रिसीविंग ले लो आप लोग, और फुर्सत चैन की नींद सो जाओ। फिर मैं देखूंगा, रिसीविंग ले लो, फिर मैं देखूंगा कि कौन से नोडल वाले ने चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया है, वहां का नंबर देना, फिर मैं बताऊंगा कि इनकी क्या स्थिति होगी, खासतौर से नोडल वालों की जो मनमाना कर रहे हैं, जो पैसे को वसूली कर रहे हैं ये लोग, तो क्योंकि इनका ये लास्ट बार है ना, अब तो इनके हाथ में अधिकार रह ही नहीं गया है, तो अब लगे हैं लूट खसोट में। तो ये ED प्रैक्टिकल वालों का हो गया और रिजल्ट वालों का हो गया, रिजल्ट लग रहा है, दीक्षांत समारोह के पहले लगे हुए हैं यार। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई किसी का पक्ष नहीं लेता। DGT में कौन कौन है मालूम है? जयप्रकाशन जी, विद्यानंद जी, उज्ज्वल विश्वास जी, तीन लोग ITI का काम कर रहे हैं। उज्ज्वल विश्वास जी अफिलेशन का काम कर रहे हैं और ये एग्जाम की मैपिंग वैपिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक अफसर जयप्रकाशन जी, विद्यानंद जी पूरा एग्जाम सेक्शन देख रहे हैं, 25 लाख लड़कों के बीच में दो अफसर हैं जो डिसीजन मेकर अफसर हैं, बाकी तो छोटे दो चार पांच लोग हैं। तो यार टाइम तो लगता है ना, मैं जानता हूं इन सब चीजों को, तो आराम से रहिए यार, ठीक है। तो ये जो न्यूज थी, दो न्यूज आपकी ये, तो इसमें क्या मैंने बता दिया, रिजल्ट के बारे में बता दिया, सप्लीमेंट्री के बारे में बता दिया, ग्रीवांसेस के बारे में बता दिया। ग्रीवांसेस के लगभग लगभग 600-700 केस आए हैं जिनको निपटारा होगा, लेकिन जिसको जो है तो नोडल ने रोक के रखा है, अगर नोडल वाले के पास आप नहीं पहुंचे, इसीलिए मैंने बोला था कि ITI लगाई, मैं चिल्ला रहा हूं 3 महीने से, अब ITI लगाने का कोई फायदा नहीं है, अब टाइम नहीं है कि आप लगाइए, कहां लगाइए, नोडल पे लगाइए, स्टेट पे लगाइए, तो बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। अब बहुत सारे लड़कों ने, करीबन ऐसे 100 लड़कों ने जो लगाया था, 100-150 लड़कों ने, अब वो जान गए, वो चुप बैठे हैं, अब वो जान गए कि सर हमारे तो ITI से ही नहीं गया, सर हमारा जो है तो SCBT में हुआ, हमारी सर फीस नहीं कटी, हमारा सर जो है तो नंबर अप्रूवल नहीं हुआ, हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो आपको दूध का दूध पानी का पानी करने का ही मेरा शो का मेन मकसद है, और जिनका बचा हुआ है तो वो ठीक है। अब रह गई सर्टिफिकेट मार्कशीट का, भैया मैं 50 बार बोल चुका हूं कि ये आपके ITI वाले को कहो कि वो ग्रीवेंसेस डाले, और वो डालेगा तो बोल रहे हैं कि 7 तारीख से 8, 9, 10 तारीख तक में हम सबको जो है तो मार्कशीट जारी करेंगे, कलर मार्कशीट जारी करेंगे और वो निकालेंगे, और वो ITI हर ITI के वाले को बोल भी दिए हैं कि दीक्षांत समारोह आप लोगों को करना है तो दीक्षांत समारोह के समय पर जो है तो सबकी मार्कशीट मिल जाएगी, जो जो डाले हैं तो ठीक है, और जो नहीं डाले हो ग्रीवेंसेस तो आप लोग जानो आपका काम जाने। बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे ग्रीवांसेस वो दीक्षांत समारोह क्या, दीक्षांत समारोह एक डिग्री बांटी जाती है, ये हर उसमें होते हैं, दीक्षांत मतलब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसको एक बहुत व्यापक नज़र से देखा जा रहा है कि पहली बार मोदी जी जो है तो प्रधानमंत्री जी ITI पे ध्यान दे रहे हैं, ITI के लड़कों पे ध्यान दे रहे हैं, उनके रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं, उनके स्किल पे ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही है। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि आपको जो है तो प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट जो है तो देने का वो करेंगे। तो उसमें जो दिल्ली में समारोह होगा, बहुत सारे लड़के जाएंगे, वहाँ पे बुलाया जाएगा, बाकी तो देश के नहीं जा पाएंगे, तो ITI पे ही आपके दीक्षांत समारोह होगा, गवर्नमेंट ITI में होगा,
आपके खुद के आईटीआई में होगा दीक्षांत समारोह, एक तरह से आपको सम्मानित किया जाएगा, मतलब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। ये अच्छी बात है, इसका आप स्वागत करिए, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये बड़ी अपडेट थी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है, तो एक बार फिर से मैं बता रहे दे रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री बोल रहा हूँ मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम 14 से लेकर के 19 सेशन वाले जो हैं, 19 20 21 वाले सेशन वाले हैं, उनका अक्टूबर में होगा, उनका अभी आ जाएगा आपको 17 तारीख के पहले पहले आ जाएगी। इसके बाद पता चल पाएगा कि कितने लड़कों का फॉर्म भरा हुआ है, कितने लड़कों का नहीं भरा है, कौन लड़के एलिजिबल हैं, कौन लड़के एलिजिबल नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तब आपको पता चल जाएगा कि कितने फेस में होगा। ग्रीवांसेस 600-700 के लगभग है, उसको बहुत जल्दी जो है तो वो किया जा रहा है। ग्रीवांसेस में ही ईडी और प्रैक्टिकल का जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको एक मौका मिलेगा ग्रीवांसेस करने का, जो कर दिए हैं वो मान लिया गया है, जो नहीं किए हैं उनको एक मौका मिलेगा और ये पेन इंडिया मिलेगा। आपको उस समय पर ग्रीवांसेस डालना होगा और आपके जो है तो अगर वहाँ पे आपके आईटीआई द्वारा नंबर और ये सारी चीज़ें चढ़ाई गई हैं, फीस आपकी जमा है, आपका एलिजिबिलिटी है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और चौथा मार्गशीट के लिए कि मार्गशीट दीक्षांत समारोह के पहले पहले आ जाएगी। इससे ज़्यादा और अब क्या बताऊँ आपको, आप लोगों ने जितने सवाल पूछे थे, संडे का जो टाइम होता है वो टाइम होता है आपको जवाब देने के लिए, तो इतना ही है आपके उसमें जवाब देने के लिए। बाकी कई लोग अप्रेंटिसशिप के लिए बोल रहे हैं, तो दिखाऊंगा, अभी लड़कों का मुद्दा तो ख़त्म हो जाने दीजिए, अभी प्राइवेट आईटीआई वालों को बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको भी तो ख़त्म, उनको भी तो उठाने दीजिए आप। मैं कोई अपने शो में एक ही चीज़, अब देखिए मुद्दे तो लगभग आपके ख़त्म हो चुके हैं, जितने मुद्दे आप लोगों ने उठाया था वो मुद्दे सब हम डीजीटी तक रख चुके हैं और डीजीटी उस पर काम कर रही है, बहुत जल्दी उस पर रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों को। और आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि देखिए किसी दलाल और माफिया के चक्कर में मत पड़िए, आपको कोई पास नहीं करवा सकता है, आपको कोई फेल नहीं करवा सकता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां नकल ले पैसा लेकर के आपको नकल करवा रहे हैं उनसे सावधान रहिए, वो सेंटरों पर कार्रवाई हो रही है, वहां पे जितने लड़के हैं सबका भविष्य खराब हो जाएगा, डीएफलेशन हो जाएगा, आईटीआई बंद हो जाएगी, ना आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, आपको ना सर्टिफिकेट मिलेंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी लड़कों का समूह बना करके पैसे मंगवा रहा है तो आप जानिए आप जेल में जाओगे, आपके माँ बाप का नाम जाएगा और आपकी जमानत नहीं होगी, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसोगे और वो बच जाएगा, तो वो आपको सीधे सीधे झोंक रहा है, इसलिए सावधान रहिए आप लोग। और हाँ, जो भी लड़के हैं आप मेरे पास शिकायत ले आ रहे हैं बहुत सारी, सबूत सहित मेरे को भेजा करिए, जब सबूत भेजेंगे देख लीजिए है ना कि विजिलेंस सबूत मांगती है और अब सबूत हो रहा। और मैं ये लास्ट चेतावनी आईटीआई वालों को और नोडल को सबको दे रहा हूँ और कुछ स्टूडेंट को भी दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट दलाली में भी लग गए हैं, एडमिशन में भी लग गए। और एक चीज़ और, हाँ भैया ध्यान से उतर गया कि जो एक एडमिशन लेने के पहले ये चीज़ें देख लिया करो कि आप एडमिशन कहाँ लिए हो, अब आपका एडमिशन कहाँ हुआ है। बिहार का लड़का मथुरा में ले रहा है, मध्य प्रदेश का लड़का यूपी में ले रहा है, ये सब एक शक के दायरे में आएगा। और जहाँ के हो अगर वहाँ एडमिशन नहीं लेकर के दूसरी जगह एडमिशन लिए हो तो उस पर भी कार्रवाई होगी और उस आईटीआई पे भी कार्रवाई होगी। तो उन आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ आप ये सब करना बंद कर दो, लड़के को जो है तो रसीद वो दे रहा है, जैसे बिहार में रसीद कट रही है और लड़का फिर आपके यहाँ आ रहा है, ठीक है ना पढ़ने, तो ये आपके अफिलेशन पे जाएगा, सुधर जाइए आप लोग जितने भर लोग। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर नए मुद्दे पे मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना और अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल भी आपका शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।